नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। कल एक्सपायरी है तो डेटा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और डेटा में काफ़ी फेर बदल है भाई, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, तो एजुकेशन के पर्पज़ से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं एक कंक्लूज़न निकालता हूँ बेस्ड ऑन FIs की पोजीशन को वेटेज देते हुए और अगेंस्ट में क्लाइंट की पोजीशन को वेटेज देते हुए, देन एक लेवल उस डेटा को प्ले करने के लिए। जो कंक्लूज़न आपसे बस दरख्वास्त इतनी है, आप उस बेस पे बाय और सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। अब आइए एक एक करके इनका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। क्लाइंट गया है बिल्कुल ख़तरनाक बुलिश, ज़बरदस्त बुलिश। ठीक है, पुट राइटिंग में था तो यहाँ पुट बाइंग उसकी थोड़ी बहुत उसको बियर, मतलब जब दबा के डेटा ऐड किया है क्लाइंट ने कल के लिए, और कॉल साइड तो ख़तरनाक तरीके से ऐड किया 200,000+। तो भैया कल तो मार्केट कहीं से भी ऊपर जाते हुए दिख नहीं रहा, ये क्लाइंट का ही डेटा बता रहा, बाकी आगे रीड करने की ज़रूरत दिख नहीं रही। चलिए पर फिर भी देखते हैं। FIs का पार्टिसिपेशन कुछ इतना है नहीं, FIs ने अपनी पोजीशन हल्की करी है, बढ़ाई कुछ नहीं है, मतलब वो कल के लिए कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा FIs। पुट भी घटा दी, कॉल भी घटा दी, इंडेक्स फ्यूचर सेल की तरफ और ज़्यादा कर लिए, स्टॉक फ्यूचर थोड़े बहुत ऐड किए, तो थोड़ा सा अचंभा है। देखने वाली बात है कि भैया FIs पोजीशन हल्की करके गए हैं, कुछ ऐड ऑन नहीं किया, जबकि जून का मंथ पूरा पड़ा है भाई। प्रोज को देखें तो प्रोज ने कल तो ऊपर का मार्केट कैप ही कर दिया कि भैया हम ऊपर जाने देंगे ही नहीं, कतई जाने देंगे ही नहीं। तो कॉल तो इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से राइट की है, ठीक है, प्रोज ने, और पुट भी इन्होंने बढ़िया राइट की है, बाकी DIs का तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, मेरे तो पता नहीं, कैश में ही है और यहाँ तो फ्यूचर्स में ही सिर्फ प्ले करते हैं। अब आ जाइए इस तरफ, ये डेटा है भैया बियरिश, कॉल आपका ये बाई करके बैठ गया है क्लाइंट, और सबके सब सेलिंग में, ठीक है, खासतौर पे FIs। बट इस डेटा से कोई इतना सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल ऑप्शन के डेटा पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब ये देखिए 402,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड की तरफ है, और उनकी लड़ाई किससे है, 406,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रोप्राइटरी डेस्क की, और रेफरी बन गए कौन, FIs 34 से और घट के 2,000। बोला भैया हम तेज़ी नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, और मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो हम यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, क्लाइंट लड़ेगा और प्रोप्राइटरी डेस्क लड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कौन जीतने वाला है, ताकतवर कौन होता है, फंड किसके पास होता है अपनी पोजीशन को मैनेज करने का, HN इनके पास होता है, प्रोप्राइटरी डेस्क के पास। तो FIs ने पोजीशन हल्की करी है, 400,000+ कॉन्ट्रैक्ट तेज़ी के हैं मुर्गों के, और उनको खाने के लिए बिल्कुल अजगर की तरह मुंह खोल के बैठे हुए हैं अपने प्रोप्राइटरी डेस्क प्रोज। तो ये तो डेटा मंदी का है भैया, अच्छी खासी मंदी का, 16,200 दिखाने का दम रखता है ये। अब आते हैं पुट साइड की तरफ, तो जो क्लाइंट तेज़ी कर रहे थे पुट साइड की, इन्होंने वो भी घटाई है, तो बट अभी स्टिल इनकी -158,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के इन्होंने निकाल लिए। और वहीं पे FIs की बात करें तो ये सरप्राइजिंग यहाँ से भी पोजीशन घटाते हुए दिखे, 213 बाइंग से 186, ठीक है, और इन्होंने पुट राइटिंग कर दी है प्रोज ने। तो बेसिकली प्रोज थोड़ा साइडवेज टाइप एक्सपायरी चाहते हैं कि शायद 16,200 इसके आसपास से रहे, 16,200 ना टूटे या 16,100 ना टूटे, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, हो सकता है 16,200 भी ना टूटे, ठीक है, क्योंकि पुट साइड का डेटा है ही नहीं, खाओगे क्या आप, और ख़ुद भी राइटिंग करके बैठ गए -59। आते हैं स्टॉक फ्यूचर की तरफ, कल के लिए स्टॉक फ्यूचर को इतना रोल नहीं प्ले करेंगे, कल ऑप्शन के ही बेस पे चलेगा मार्केट, और कल के दिन लेवल हो जाते हैं भैया आके शिफ्ट आपके राउंड फिगर पे, जैसे 16,300 16,200, तो 16,300 टूटे आपको ठोक देना है निफ्टी को, आपका टारगेट है 16,200 भी टूटे तो आपको दिखेगा 16,140 तक, 16,140 125, ये 15 पॉइंट का जोन है, ये आपको दिख सकता है कल जब 16,200 टूटेगा। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी सेल कर दीजिए जैसे ही 34,800 ब्रेक होता है, कम से कम 300 से 400 पॉइंट आपको मिलने चाहिए, डेटा बियरिश है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों, इनकेस आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा लेट हो गया हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। और बैंक निफ्टी, अब देखिए जो कॉल की राइटिंग हो रखी है ना, इसका एक दूसरा पहलू भी है डेटा का, दूसरा पहलू भी समझिए, -406,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है,
अब कल ड्यूरिंग द मार्केट अगर FIs बाइंग करना चालू करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो 35,000 एंड अबव आपको बाई साइड में रहना है बैंक निफ्टी में, और बाइंग साइड बैंक निफ्टी में करिएगा, निफ्टी में नहीं करिएगा, ठीक है। जैसे ही 35,000 टूटे उसको होल्ड करें, बाई कीजिएगा, वहाँ से 150-200 पॉइंट तो आपको आराम से मिलने चाहिए, आराम से। और 35,250-300 ये पार हुआ तो कल आपको 35,500 भी दिखेगा, ठीक है। बट ये जब की बात है जब FI टक्कर में आते हैं, जबकि FI साइड हो गए हैं बिल्कुल, कि भैया मैच तुम दोनों खेलो, हम दर्शक हैं, दर्शक बन के देखेंगे। तो कल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, आप देखेंगे कल उन्होंने सिर्फ पोजीशन निकाल दी है, कुछ भी यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं है कल की एक्सपायरी के लिए। तो ड्यूरिंग द मार्केट थोड़ा सा होशियार रहिएगा, कॉशियसली प्ले करिएगा, 16,300-34,800 ये टूटे तभी सेल करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।